दिनों रात ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है डमी म्यूजियम से आए चंद इंडियन फनकारों ने, आपकी मुलाकात करवाते हैं SRK के साथ, अकमड़ी के साथ और अमिताभ बच्चन के साथ। आए हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू मी। चंद साहब हैप्पी बिलेटेड बर्थडे आपको, बहुत 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 धन्यवाद। क्या ये माहौल बनता है आफ्ताब जी? नहीं नहीं नहीं, आपके यहाँ शोक की कैफियत है। मेरे जिगर का टुकड़ा पता नहीं किस हाल में, और आप यहाँ पे बैठ के बर्थडे बर्थडे कर रहे हैं। खाना आपने भी को थप्पड़ दबका रखा होता तो आज ये डेज से ना गुजरते आप। पहले तो मैं किंग खान नहीं मैं किंग खान, और दूसरी बात ये मेरे बेटे को फंसाया गया है। इन्हें आप ही मुंडे ना हिट कराने वास्ते गेम जी चलाती, मुंडा हिट हो गया रातों रात। वो शाहरुख खान का बेटा है, तुम्हारा नहीं है, उसे किसी दो नंबरी की जरूरत नहीं है, एक बड़ा तगड़ा टैग लगा हुआ। लेकिन वो अगर अच्छा एक्टर ना हुआ, या छोड़े अच्छा या बुरा एक्टर, उसकी किस्मत में अगर ना लिखी हुई ना ग्लोरी, पीक अचीवमेंट, तो वो बेचारा उड़कर भी दिखा दे। ये क्या छोटे आर्टिस्ट है जी। देखें, इनका बेटा वहीं का वहीं है। तुम्हारा बेटा मैं होना चाहिए सी अबू मैं नालायक बच्चे का तो वैसे ही टैटवा दबा देता। तेरा की दबाया सी वो भी तो नालायक ही है। मेरे बेटे के खिलाफ साजिशें हुई है जी, वो कह रहे हैं मेरे बेटे के खिलाफ हुई है। इस गलो से ठीक है भाजी, साडा बेटा सड़ तो वड्डी खाच आहो ने एक दिन मोहल्ले दे विच पंप ला लिया, पहले उन्होंने करंट पिया, उन्होंने कहा तौबा। जब तक मेरे सालगिरह की खुशियां नहीं मनाई जाती यहाँ पे कोई बात नहीं होगी। नहीं जश्न मनाएं आप सर प्लीज। ये बात ए मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मत वाले सी, नाजुक सी शर्मेले सी, मासूम सी भोले भाले सी, रहती है वो दूर कहीं अता पता मालूम नहीं। एंजॉय नहीं कर रहा? नहीं मैं कर रहा हूँ, मैं सोहेल राणा को एंजॉय कर रहा हूँ, आपको नहीं कर रहा। मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मत वाले से, नाजुक से शर्मेले से, मासूम से भोले भाले से। करके सच्ची करके सच्ची करके ये है चक्कर क्यों कटना होता पहले मुझे ये दसो। अरे इतने अपने आप को टैलेंटेड समझते हो तो सुनाओ कोई गाना। मैं सुनाइए नैसन भट्टी साहब तो आवाज में कहा कंबड़ी है और नैसन भट्टी क्या कहने उन्होंने गाना भाजी मैं तामल लै गया उसे वो हिट होया जरा उन्होंने वो मजा लिया नजर आई है। सुनाइए सुनाइए होली माड़ी नटियां चन मखना। व्हाट अ फिल्म, इस फिल्म का एक एक गाना कमाल। होली माड़ी नटियां, होली माड़ी नटियां किनाड़े उल्ली कनाड़ी बुट्टी कनाड़ी कुड़ी आ किनाड़े इल्ली कनाड़ी बुट्टी कनाड़ी कुड़ी आ माड़ी माड़ी हुई 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 माड़ी हुई 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 इल्ले टुट कनाड़ी बुट्टी कुड़ी यार इलाड़ो पुल कनाड़ी कुट कनाड़ी टुल्ला बाबा चिश्ती अकमड़ी कभी सैड सॉन्ग नहीं गाया तुमने? मैं गाया थी मलकू का एक बार मेनू कौन सा चिंता दे नाल मैया वही वाला ना आज गाए लाड़ो मारी हुई इली नाड़ी मारी हुई वाह वाह अले नोड़े ना मारी इले नाड़ी मारी ओए चलने तो मुझे अपने बेटे की याद आ रही है इली मारी ओ ना एक सेकंड ना मैं इली मारी कोई लावी तो सही इले मारी उसका बेटा बेचारा क्राइसिस में है ते बेटे तो पैसे चंगे नहीं इली मारी नाड़ी ओड़ी 5000 नाड़ी ओए ले मारी नारी आरी ओ लावी ते सही होने ओके ओके वेट 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 अरे नारे मारी ओए जिना दी ते दंद भी पांदियां गनिया इदी नारी नारी चल तू ही दे ले इले नारे मारी मैं कुछ लेके छड़ना हो नहीं जान देना क्या कर कमरी मेरी मेरी बात सुन बिस्मिल्लाह भाई इस वक्त मैं हूं और मेरे सामने गम का एक गहरा समंदर है। ठीक है डुबने तो पहले मैंने 5000 दे दे
नहीं यार 5,000 तुम क्यों मांग रहे हो, 1,00,000 मांगो। क्यों, ये मेरा साला लगता है। यार तू जो मर्जी कर भाई, 5 दे मेनू तेरी मेहरबानी। और क्या कर रहे हैं 5 तुम? मैं रस्ते च रोटी खानी है, होटल दे पैसे देने। क्या सनाई होटल रह रहे हो? नहीं नहीं भाई जी, 200 रुपया सराह दा। सराह में रह रहे हो? लै एडी मजेदार नींद आउंदी, साइडां ते खराटे वज रहे होंदे ने। मेरा खराटा इंदा हुंदा ना, मैनू हर सराह चो कढ दिंदे हो। खराटों की वजह से? नहीं नहीं चोरी की वजह से। अभी मेरे इल्जाम है कि मैं चोरियां करना। चोर करते भी हो? मैं पता नहीं चलता, मेरी आदत है कि सुते पे भी किसी के खीसे हाथ पाता, किसी का जूस पी लिया। मैं क्रैप्टो मिनी है। ओहो। और सराह दे विच एडी सस्ती चोरी होंगी, यकीन कर मैं तुम दस नहीं सकता। एवं भुजे छोले चोरी कर लै, अद्धी शजान चोरी कर ली, क्योंकि बेचारा अद्धी पी के सौ जाता, अद्धी उन्हें सवेरे पीनी होती। वो सवेरे उठ के वेखदा शजान की बोतल वेली, उन्होंने अटैक हो जाता। दिन मैं एक बंदे की जेब चत पाया, जेब अद्धा केला और केले के नाल चार छोटे छोटे छोले दाने लगे। वो सारा पता नहीं प्रसाद लैके आया। आज एक दिन मैं वेख्या पहलवान की जेब एडी फुली। ये पहलवान कौन है? पहलवान एक हैगा उथे, वो भी हर सरां च हुंदा मेरे नाल, पता नहीं की है। वो जिड्डा वड्डा पहलवान है, ओडी वड्डी खच। मैं भाजी उहदी जेब वेखी एडी फुली, मैं कहा अज मालो माल। बस मैं उहदे सौण दा वेट कर। अच्छा उस दिन उह सौवे ना, मेरा भी ज़हन च आया, मैं कहा ज़ाहर है रकम वड्डी है, वह फिर सौवे ना भाजी। मैं फिर निकलिया। अच्छा साढ़े नाल ही एक बंदा पकौड़े वेचदा। अच्छा मैं उन्होंने जाके पूछा, मैं कहा असली माल हैगा? वो पंख वाले भी बनाऊंगा ना नाल। ओए ओए ओए, उन्हें मैंने कहा ओए ओए करेगा। उन्हें एडा नुकदा कटे है भाजी, ए मलमल च लपेटिया से उन्हें, उन्हें आ मसाले सुट के एक हाथ मारिया कड़ाम, एडा एडा पकौड़ा। मैं कहा किन्ने का है? मेरा ख्याल से 10 का होगा, 15 का। कहिंदा 45 रुपए का। मैं भाजी एक ही फड़िया। मैं आके पूछा, मैं कहा भलवान जी अज की गल है? कहिंदा यार नींद नहीं आ रही। मैं कहा लो फिर पकौड़ा। मेरे देखते देखते 45 रुपए वो अंदर इन्वेस्टमेंट हो गई। फिर की भाजी उन्हें इंज पकौड़ा खाधा, इंज ही डिगया पिछे टापांग डिगया भी, इंज करके ना जेब थले आ गई। डेढ़ घंटा मैं ला के उसका पासा परते आए, जैक लिया एक गड्डी चो कढ के। भाजी मैं जैक लाया, वह साला उठ के बह गया। भाजी उन्हें पासा लिया, दूजे पासे जेब उत्ते हूँ हथ रख के सौ गया। मैं फिर भाजी बड़ी मेहनत ना जेब कटी। हाँ जो मैं जेब के विचों कढ़िया तो भाजी साफा फोल्ड किया, साफा नहीं हूँ मोटे तो रखने वाला, वो फोल्ड किया तो एक समोसा, और वह भी समोसी छोटी बंगाली समोसा। तो फिर तुमने खाया? कटा खाना, वो पहले ही दम घुटने से मर चुका था। अरे भाई साहब क्या बकवास है ये, पहलवान क्या है, नुकता क्या है, साफा क्या है? अरे यार छोड़े, आप बताएं आपका डाइट प्लान क्या है? उखा फाके शाहरुख बिरा। हाँ जी अब जी जी ये नोई केरे वेल लगा नहीं की थी, पर तुसा भी तो कुछ बोलो। मैं क्या बोला भाई? मेरे भतरीजा मैं को डिठे देख देख के मरोंदी रह गई। हां दुआ कीती आई? मैं बहुत दुआ मांगी 7 बार तू कशा का नहीं। हमने बहुत दुआएं की, आप फिक्र ना करें जी। क्यों परेशान हो रहे हैं? अरे ये धूप छांव सख्ती उसको एक मजबूत इंसान बनाएगी। मैं तो कहना तुम भी अपने बच्चे को अंदर करा दो थोड़ी देर।